तो आखिरकार मैंने यहाँ पर एक नई वीडियो को अपलोड करी थी। मुझे लगता है कि मेरी लास्ट वीडियो को आए हुए कम से कम 4 दिन तो हो ही गए होंगे, नहीं शायद 5 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी एक रीजन है जो कि यहाँ पर मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें माउंटेन साइड विला को दिखाया जाता है, मतलब विला माउंटेन के नीचे है, जिसके अंदर हमें चैंग को दिखाया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर स्कारफेस को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर ओल्ड चैंग के बेटे को धो रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए कि आखिरकार उसने यहाँ पर अपनी फैमिली को निपटाने की कोशिश क्यों की। जहाँ पर स्कारफेस पहले उसे धोने के बाद उससे पूछता है बाद में कि आखिरकार तुम जो कुछ भी जानते हो वह मुझे बता दो, मैं सब चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पास्ट में हुई बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर स्कारफेस ने उससे कहा था कि प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल कर लीजिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर चीज के अंदर आपकी मदद करने चाहता हूँ। जिस पर चैंग यहाँ पर कहता है स्कारफेस से कि वैसे ये तो ठीक है लेकिन तुम वेतन के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही मत क्योंकि मुझे भी अभी तक अपनी सैलरी नहीं मिली। जिसके बाद हमें ओल्ड चैंग के बेटे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सारी बातों को बताने के लिए तैयार हो चुका होता है। जिसके बाद वो बताता है कि ये करीबन 1 मंथ पहले की ही बात होगी, मैं 1 महीने पहले ही वहाँ पर गया था और जब मैं वहाँ पर गया था तब मतलब नॉर्मली वहाँ पर प्रे के टाइम एक पर्सन मेरे पास आया जो कि यहाँ पर मेरे साथ एक चीज़ की डिमांड कर रहा था, मतलब वो मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन सी चीज़ देने की बात कर रहा था। जिस पर चैंग कहता है कि 1 मिनट आखिरकार पहले मुझे ये बताओ कि उसने तुमसे बस इतना ही कहा और तुम इसके लिए तैयार भी हो गए। इस पर वो पर्सन कहता है कि वैसे मुझे इस बारे में तो नहीं पता लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो मंदिर यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप मंदिर में आता है। तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर शक करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर वो एक ठग है जो कि मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है कि मैं तुरंत इस चीज़ के लिए तैयार हो गया था और वैसे ही मैंने उसे डिनर के लिए पहले बुलाया था और वैसे मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले जानना चाहता था और वैसे मेरी फैमिली के यहाँ पर किसी के साथ बुरे रिलेशन तो है नहीं। और जब मैंने इस बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि ये ब्रेसलेट यहाँ पर एक मास्टर ने उसे दिया है और इस ब्रेसलेट के यहाँ पर 2 भाग है जिनमें से 1 भाग उसने मुझे दे दिया था और एक उसके पास खुद के लिए था। और जिसके बाद वो यहाँ पर इस ब्रेसलेट को मुझे देने की जिद करने लगा, जिसके बाद मैं इस चीज़ के लिए तैयार तो हो गया लेकिन मैंने जब इस बारे में पूछा तो इसी के साथ ही उसे मेरे आगे हार माननी पड़ी और उसने अपने मास्टर के ठिकाने के बारे में खुलासा कर दिया जो कि साउमिंग मेंशन है जो कि यहाँ पर बिंग सिटी का सबसे लार्जेस्ट कल्टीवेशन सेक्ट है और उनका कल्टीवेशन मेथड वो बहुत ज्यादा यूनिक होने के साथ ही काफी सारे सक्सेसफुल लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हैं। जी पर जाए कहता है कि अभी तो यहाँ पर सभी लोगों को पता ही चल गया है कि यह कल्टीवेशन मेथड कितना ज्यादा ही गलत है, तो क्या तुम अभी भी इसके अंदर शामिल होने के बारे में सोच सकते हो। जी पर वो पर्सन यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है लेकिन यहाँ पर राइजर सेक्ट हमारी इस बारे में कोई मदद नहीं करने वाला, तो आखिरकार इसके अंदर गलत ही क्या है और वैसे भी यहाँ पर गलत तरीके से कल्टीवेशन करना मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत है। इससे पैसा तो कमाया जा ही सकता है और भले इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत कीमत ही चुकानी क्यों ना पड़ जाए। मैं बस इस बारे में सोचता था, मैंने कभी इस चीज़ के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से खत्म होने वाली हैं। इस बात को सुनकर चैंग कहता है कि अमीर लोगों के विचार समझना ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। जिसके बाद चैंग यहाँ पर स्कारफेस से कहता है कि अब तुम ऐसा करो इसे यहाँ पर इसके घर पर छोड़ाओ, जिस पर स्कारफेस यस सर कहता है। जिसके बाद स्कारफेस वहाँ से उसे ले जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है चैंग को जो कि यहाँ पर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि सच में साउमिंग मेंशन वो यहाँ पर अपेयर हुआ एक ऐसे प्लान के साथ जो कि यहाँ पर काफी तक कमाल का था। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बड़ी फैमिलीज को अपने कब्जे में करना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद यही वजह होगी कि काफी सारे सक्सेस लोग उसे जानते हैं। तो चैंग यहाँ पर इसे काफी अजीब तरीके से कहता है, तो मैं यहाँ पर सिंपल वे में समझा देता हूँ कि चैंग यहाँ पर कहना चाहता है कि साउमिंग मेंशन एक तरीके से इस एरिया की सारी बड़ी फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं और वो यहाँ पर पहले तो उन फैमिलीज के अंदर इसी तरीके की किसी न किसी अपवित्र चीज को भेजता है और जब वहाँ पर इस तरीके के बहुत ज्यादा ही बड़े बड़े हादसे होने लगते हैं और उस फैमिली को इसके लिए मदद मांगनी पड़ती है, तो मतलब एक तरीके से टेम्पल यहाँ पर अपेयर होता है उनके लिए एक वरदान के तौर पर और वह इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर काफी सारी फैमिलीज को अपने अंडर करना चाहता है। और इसी के साथ यहाँ पर चैंग डिसाइड करता है कि उनका टारगेट यहाँ पर सू फैमिली है और इसके अलावा जो सू फैमिली के साथ जुड़ी हुई सारी छोटी फैमिलीज हैं वह इसी चीज की मदद से यहाँ पर उन फैमिलीज को भी अपने अंडर कर लेगा। और कंस्ट्रक्शन साइट पर उस नाइफ का मिलना ये पहले से प्रिपेयर कर रखा गया था और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर थोड़ा आगे चला जाता है जहाँ पर चैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो यहाँ पर भी अभी इसी बारे में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर साउमिंग मेंशन ने इस चीज की शुरुआत तो कर ही दी है लेकिन मुझे लगता है कि अब जबकि यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज को शुरू कर ही दिया है तो वो अब इसके लिए मुझे दोष बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका खुद का फैसला था, तो आगे उनके साथ जो कुछ भी होगा वो इसके बारे में खुद ही शायद संभाल लेंगे। और वैसे मुझे लगता है कि उस सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज होगी शायद यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिश रैलम, और वैसे भी ये सेक्ट यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट के साथ काफी अच्छे रिलेशन रखता है और मुझे लगता है कि इन सारी घटनाओं का यही चीज मेन पॉइंट है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि ये सेक्ट यहाँ पर एक टुकड़ा है और मुझे लगता है कि इसका मास्टरमाइंड वो कोई और है, पहले मुझे इस सेक्ट को हराना पड़ेगा उसके बाद ही मैं उसे बाहर ले आ पाऊंगा। लेकिन मास्टरमाइंड ये तो बहुत ज्यादा ही दूर की बात है, क्या मैं यहाँ पर सेक्ट को भी हरा पाऊंगा। लेकिन तभी चैंग वहाँ पर एक क्रीपी से इस्तेमाल करते हुए काफी सारी हर्ब्स को अपने हाथ में लेता और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि मुझे अभी मिली है, तो मुझे लगता है कि क्या मैं इसकी मदद से क्या आज रात तक
तक। मैं यहाँ पर फाउंडेशन एस्टेब्लिश रैलम के फर्स्ट लेवल तक तो क्या नहीं पहुँच पाऊंगा। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग के पेट के पूरी तरीके से लग चुके होते हैं उतनी सारी हब्स का एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से। जहाँ पर चैंग अपने पेट को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि सच में वो सारी हब्स तो बहुत ज्यादा ही बेकार थी और वैसे भी मैं यहाँ पर उतनी सारी हब्स का इस्तेमाल करने के बाद भी यहाँ पर 3 लेवल ही अप हो पाया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्कारफेस आता है जो कि यहाँ पर चैंग से कहता है कि मिस विंग ने यहाँ पर आपको सू फैमिली के अंदर लंच के लिए बुलाया है वो अभी दोपहर में, और उन्होंने यहाँ पर बस स्पेशली दोपहर में ही आपको बुलाया, मतलब आप उससे पहले मत आ जाइएगा वहाँ पर। उन्होंने ऐसा मुझे आपको बताने के बारे में कहा, जिस पर चैंग कहता है कि क्या बस इतना ही, उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया मुझे। जिस पर स्कारफेस यहाँ पर मना कर देता है, जिस पर चैंग पूछता है स्कारफेस से कि आखिरकार तुम्हारा खाने के बारे में क्या प्लान है और आखिरकार मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर रहने कहाँ वाले हो। जिस पर स्कारफेस कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह है और मैं शायद हॉल के अंदर रह लूंगा। जिस पर चैंग गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन वैसे मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर मेरे कोई सर्वेंट नहीं हो और वैसे भी यहाँ पर काफी सारे खाली कमरे हैं तो तुम किसी का भी यूज कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ध्यान रहे कि तुम्हें ठंड ना लग जाए इससे, और वैसे तुम्हारी टेक्निक वो बहुत ज्यादा ही हार्ड है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि ये तुम्हारी मसल्स और मांसपेशियों और हड्डियों के ऊपर काफी ज्यादा दबाव देती है तो तुम्हारे स्लो प्रोग्रेस का यही वजह है। और इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नई टेक्निक्स को भी आगे जाकर सिखाऊंगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अपने प्रोग्रेस रेट को बढ़ा सको। जिस पर स्कारफेस यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो चैंग को यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भरी हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, यस मास्टर, जो भी आप मुझे यहाँ पर सिखाने वाले हैं मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूँ और मैं अपनी पूरी मेहनत करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, और मैं बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा ताकतवर बनने की भी कोशिश करूंगा। इस पर चैंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी सारी रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी रिस्पेक्ट मुझे हजम भी हो पाएगी। जिसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है दोपहर का सीन जहाँ पर हमें सू मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग पहुंच चुका था। जी पर चैंग यहाँ पर अंदर जाता है तो एक मेड वहाँ पर चैंग का वेलकम करती है, देखकर चैंग हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर कहता है कि नॉर्मली डिनर के लिए मैं यहाँ पर फोन कॉल कर दिया करता था या फिर वो मुझे फोन कॉल कर देते थे, लेकिन आज का यहाँ पर कुछ स्पेशल है जो कि मुझे इतनी सारी रिस्पेक्ट मिलती जा रही है, आखिरकार मुझे ये हजम क्यों नहीं हो रही। और चैंग इसके साथ जैसे ही अंदर एंटर करता है वहाँ पर एक पर्सन मिस विंग के साथ खड़ा होता है जो कि यहाँ पर चैंग को देखने के साथ कहता है कि वाह मिस विंग, मैं यहाँ पर चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ। जब मैंने इस बारे में सुना कि यहाँ पर कोई मास्टर है जिसने कि यहाँ पर मिस सू की प्रॉब्लम को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आसानी से ठीक कर दिया है तब मैं बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन अगर वो ये है तो मुझे लगता है कि चीज के ऊपर मेरा भरोसा करना शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर इसके ऊपर बिलीव करते हैं तो मैं भी करता हूँ। और वैसे ही मुझे लगता है कि मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि इसके क्योर करने के तरीके से भी ज्यादा बढ़ के है, और वैसे मेरे पास तियान सियान लोटस है जो कि यहाँ पर व्हाइट माउंटेन पहाड़ियों से इकट्ठा किया गया है और ये बहुत ज्यादा ही प्रीसियस है, वो अभी स्पेशली यहाँ पर मिस सू के ग्रैंडफादर के लिए। जिसके बाद हम तियान सियान लोटस को देखते हैं जिसे दिखाते हुए पर्सन कह रहा होता है कि इस लोटस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ पर किसी भी शरीर को बहुत ज्यादा ही स्वस्थ कर सकता है और वो उसके लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है और ये इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रीसियस ट्रेजर भी है। जेबर चैंग यहाँ पर उस लोटस को देखते हुए कहता है कि तियान सियान लोटस, आखिरकार ये तो एक बेकार सा लोटस है, मुझे लगता है कि इसे इस नाम से बुलाना ये बहुत ज्यादा ही बुरा रहेगा। जेबर वो पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक नॉर्मल सा लोटस, क्या तुम्हें सच में इसके रियल प्राइस के बारे में पता भी है या फिर वो कोई तुम्हारी स्किल नहीं थी बल्कि वो एक तुक्का था जो कि उस दिन लग चुका था। जेबर चैंग उसकी बात को सुनकर अपने पास से एक पिल को निकालता है। जेबर चैंग यहाँ पर मिस्टर सू को इस बारे में बताते हुए कहता है कि यहाँ पर एक इलेक्जर है जो कि मैंने कल रात को ही तैयार किया है और ये यहाँ पर आपके स्प्रिट की ताकत को बढ़ाने के साथ यहाँ पर वर्टैलिटी को भी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। और हम देखते हैं कि चैंग की इन बातों को सुनने के साथ यहाँ पर उस पर्सन को बहुत ज्यादा ही जलन होने लगती है और हम देखते हैं किसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर चैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सच में ये तो किसी जेली बीइंग की तरह दिखाई देता है, मतलब सच बताओ कि क्या तुमने सच में इसे यहाँ पर खुद से ही बनाया है, क्योंकि ये तो मुझे देखने से ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर इसे अपने एलिमेंट्री स्कूल के बाहर वाले गेट के पास खरीदा हो। जेबर चैंग यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या कहा तुमने जेली बीन, आखिरकार तुम सोचते क्या हो, और वैसे भी ये इतना महंगा है कि तुम इसे यहाँ पर मिलियंस में तो क्या यहाँ पर तुम इसे बिलियन और ट्रिलियन में भी नहीं खरीद सकते। और हम देखते हैं कि वह दोनों यहाँ पर इसी बात पर झगड़ने लगते हैं जहाँ पर चैंग कहता है कि तुम्हारी वह चीज बहुत ज्यादा रेडिकुलस है और वैसे भी वो तो किसी कीचड़ का कमल रख रहा है, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी फैमिली की यहाँ पर हैसियत ही नहीं है कि तुम यहाँ पर एक कीचड़ का कमल लेकर इतनी बड़ी बड़ी फेंक सकते हो। जी पर वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर इसे ले आया हूँ कहीं से खरीद कर, ये कीचड़ का कमल ही सही, लेकिन आखिरकार तुम तो यहाँ पर एक कैंडी ले आए हो, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कि तुमने इसे किसी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे से चुराया हो, आखिरकार क्या तुम एक कैंडी भी नहीं खरीद सकते। जी पर चैंग कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा क्यों जल रही है। जिस बात पर वो पर्सन यहाँ पर मिस विंग के हाथ को पकड़ता है और यह देखकर मिस विंग भी हैरान थी। जिसके बाद वो चैंग से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत जल्दी इस फैमिली के अंदर शादी करने वाला हूँ और वैसे भी मुझे तुम जैसे पर्सन से यहाँ पर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे पर्सन से बहस करना ये मेरे ही इंसल्ट करने जैसा है, और वैसे मुझे नहीं पता कि तुमने उन्हें किस तरीके से क्योर किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बस एक फिलहाल के लिए एक तुक्का था और मेरी फ्यूचर वाइफ मिस विंग को कुछ ज्यादा ही बोलियां
है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया होगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर एक तरीके से सू फैमिली के टुकड़ों पर पल रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट नहीं बल्कि एक स्पेशल सर्वेंट होना चाहिए था। और वैसे भी जहाँ तक हस्बैंड चुनने वाली बात है, मुझे लगता है कि मिस विंग बहुत ज़्यादा ही चलाक है, और वैसे भी मेरे जैसा एक सोशल बैकग्राउंड वाला पर्सन, और वैसे भी जैसे ही मेरी फैमिली यहाँ पर सू फैमिली के साथ जुड़ जाएगी, मैं जल्दी ही सू फैमिली के सारे ही पैसों के इश्यूज को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। और हम देखते हैं कि इससे मिस विंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से के अंदर होती हैं, लेकिन वो यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेता और वो यहाँ पर कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। और ये एक तरीके से चैंग को नीचे दिखाने के लिए था कि चैंग के पास यहाँ पर एक भी रुपये नहीं है और वो यहाँ पर लायक नहीं है सू फैमिली के अंदर रहने के। जी पर चैंग यहाँ पर उसे कहता है कि किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो, और तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कई बार बना सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मिस उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राजी होंगी। और वैसे भी मैरिज यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि वो एक दूसरे की जुड़ी हुई फीलिंग्स होती हैं। जिस पर वो पर्सन चलाते हुए कहता है कि अगर तुम कहना क्या चाहते हो, और वैसे भी क्या तुम कहना चाहते हो कि मिस विंग यहाँ पर मुझसे प्यार नहीं करती। जी पर चैंग यहाँ पर उसके हाथ से मिस विंग के हाथ को अलग करते हुए कहता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर एक कचड़ी को कौन पसंद करना चाहेगा जो कि यहाँ पर सब कुछ अपनी फैमिली के दम पर करता हो। और हम देखते हैं कि चैंग यहाँ पर थोड़ी सी ताकत की वजह से वहाँ पर उसका हाथ पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है। और यहाँ पर चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर मिस विंग के बिल्कुल भी लायक नहीं है और तुम मेरी नज़रों में एक कचड़ा हो, तो तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर यहाँ पर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग को एक पंच मारते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन हमारे मामले के अंदर इंटरफेयर करने वाले। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर चैंग को एक पावरफुल पंच मारता है, बट चैंग इसे बिल्कुल भी टॉच नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पंच की वजह से यहाँ पर उसी की हड्डियाँ टूट चुकी होती हैं, जिस पर वो पर्सन यहाँ पर काफी जोरों से अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड भी यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर चैंग को चैलेंज देते हुए कहता है कि बस तुम यहाँ पर थोड़े दिन और रुको, तुम देखना मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए एक रिग्रेट जरूर कराऊंगा। जिस पर चैंग यहाँ पर मिस विंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पर तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को बर्बाद तो नहीं कर दिया। जिस पर मिस विंग यहाँ पर इसके लिए मना करती है, बट हम देखते हैं मिस विंग के ग्रैंडफादर को जो कि अपने सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि उसकी फैमिली का बिजनेस इन्फ्लुएंस वो तो बहुत ज्यादा ही है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ती है, और स्थानीय कंपनियों की तो उसके लिए एकदम बात ही छोड़ दो, वो तो उसके लिए किसी केक के टुकड़े की तरह है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रबल भरा तो रहेगा ही, आखिरकार तुमने इतने बड़े पर्सन को यहाँ पर प्रभोग जो कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर चैंग को कुछ याद आता है, जिस पर चैंग यहाँ पर मिस विंग और मिस विंग के ग्रैंडफादर से कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मैं पहले तो इस मैटर को थोड़ा साइड कर देना चाहिए, शायद मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप दोनों को जानना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड यहीं पर होता है। और वैसे मैं जानना चाहता था कि आखिरकार डार्लिंग इन द फ्रेंड्स का सेकंड सीजन कब आ रहा है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और वैसे ही मुझे इसके अगले सीजन का वेट करते हुए कई साल हो चुका है, तो मैं बस आपका यहाँ पर ओपिनियन जानना चाहता था। और वैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट कर रखा जिसके ऊपर आप अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हैं आप यहाँ पर अपना वोट कर। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, बल्कि फिलहाल के लिए यहाँ पर ये जरूरी है कि मैं इतने दिनों के लिए था कहाँ पर। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर सदमे के अंदर था क्योंकि मेरा फोन दरअसल किसी और के फोन के साथ एक्सचेंज हो चुका था, और जिसके साथ यहाँ पर मेरा फोन एक्सचेंज हुआ था उस बंदे ने तो यहाँ पर मेरे फोन को पूरा रिसॉफ्टवेयर मार दिया। मतलब ऐसा वो यहाँ पर अपने फोन के साथ करना चाहता था, बट उसने गलतफहमी में यहाँ पर ऐसा मेरे फोन के साथ कर दिया, तो जिस वजह से ये मेरा यूट्यूब चैनल की ईमेल आईडी ये मेरे फोन से गायब हो चुकी थी और किसी और चैनल में, तो मतलब किसी और फोन के अंदर ये लॉगिन नहीं थे। तो मुझे इसे ढूंढने में या एक तरीके से दोबारा से इस फोन के अंदर लॉगिन करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, और आखिरकार मैं यहाँ पर काउंट भी नहीं कर सकता कि मैंने यहाँ पर इस चीज को करने के लिए कितने सारे वीडियोस को देख रखा है, जिनमें से यहाँ पर बस एक दो वीडियो ही काम के थे, बाकी के यहाँ पर तो एकदम बेकार थे। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर करियर मैन के ऊपर देखा है, काफी अच्छा सपोर्ट आया है, तो मैं उसे जरूर कंटिन्यू करूंगा।